हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर शेयर जो कि कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, और उनमें जो प्राइस रखा गया था दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर रखा गया था। बायबैक दोस्तों ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है, और उसके साथ साथ एंड में दोस्तों मैं आपको और भी कुछ कंपनी दिखाऊंगा जो कि बहुत जल्द भी इसका बायबैक ओपन होने जा रहा है, और बहुत शानदार मार्केट लीडर कंपनी भी है उसके अंदर शामिल। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो FDC लिमिटेड। FDC लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर रहता है। शेयर प्राइस आप देख सकते हो कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव नहीं है, 260-270 के बीच में आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि बायबैक जो कंपनी करेगा वो करेगा ह्यूज प्रीमियम में, मतलब अगर देखा जाए 260 से अगर हम कंपेयर करें 475 रुपये, लगभग 80% के ऊपर प्रीमियम वैल्यूएशन पे दोस्तों ये बायबैक होने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली न्यूज़ काफ़ी पहले का है, तो बेसिकली अभी ये जो बायबैक का जो ऑफर किया था ये ओपन हो चुका है, मतलब अभी ये बायबैक की पीरियड में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग जो कंपनी के प्रमोटर का स्टेक था वो करीबन 1.72% और इंक्रीज़ करेगा, और जो प्राइस बैंड रखा गया था 475 रुपये, और अभी अगर हम बात करें शेयर का प्राइस लगभग 267 रुपये में चल रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 78-80% की प्रीमियम वैल्यूएशन में दोस्तों ये बायबैक हो रहा है। और ये कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं है, लगभग 1.5% के ऊपर कंपनी यहाँ पे बायबैक करेगा खुद का शेयर, तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट हमें शेयर के अंदर काफ़ी पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अब बात आता है क्या आपको इस चीज़ को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहली बात दोस्तों अंधाधुंध कभी भी इन्वेस्ट मत करना। दूसरी बात, कंपनी का थोड़ा आप यहाँ पे कंप्लीटली एनालाइज कीजिए। सबसे पहले देखिए 6 महीने पे शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला, 1 साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला, 5 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। इवन अगर बात करें मैक्सिमम, तो आप देख सकते हो छोटा कंपनी जरूर हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी शानदार मल्टी बैगर रिटर्न साफ साफ नजर आ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में शेयर एकदम ठीक ठाक है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों ये कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, जैसे कि कंपनी का फंडामेंटल कुछ पैरामीटर, साथ साथ ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर कंपनी, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो जो कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है वो सब फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है। मार्केट कैप वाइज ये एक स्मॉल कैप कंपनी, तो जिसके कारण दोस्तों एक स्मॉल यहाँ पे बोल सकते हैं छोटा मोटा रिस्क फैक्टर रहता है। पी रेशियो कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव नहीं है, 18 के आसपास है। ROCE की अगर बात करें 22% बहुत ही शानदार है, साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो ठीक ठाक है। 1 रुपये फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, जो कि कुछ दिन पहले लगभग 405 तक गया था, आज के दिन पे करीबन 270 में मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कंपनी का यह है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सन फार्मा, सिप्ला जैसे बड़े बड़े लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सारे नाम तो आपने सुना होगा, तो ये बड़े बड़े कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर में बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी का, जो कि कोई भी कंपनी का जो बैकबोन होता है कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट, यानी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सेल्स के अंदर अगर हम बात करें, कंपनी 10 साल में काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ किया, 5 साल पे भी काफ़ी अच्छा रहा, 3 साल पे भी अच्छा रहा, एंड इस साल पे भी काफ़ी अच्छा कंपनी का सेल्स ग्रो किया। बेसिकली प्रॉफिट के अंदर अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में तो ठीक ठाक रहा, बट इस साल दोस्तों कंपनी को थोड़ा सा हमें ये लॉस नहीं है, ये मतलब है 19% हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला, यानी जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा था उसके अंदर थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिला 19%। बाकी अगर हम बात करें 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया। इस साल बेसिकली थोड़ा बहुत हमें गिरावट होने के पीछे रीज़न भी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो जिसके कारण हमने देखा कि कंपनीज का जो एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी, मतलब यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। साथ साथ अगर हम बात कर देखिए, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है बट कंपनी बहुत स्टेबल कंपनी है। इसका क्लियर कट एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छा है, करीबन 1890 करोड़ के ऊपर कंपनी का रिजर्व भी है, पॉजिटिव रिजर्व है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है कंपनी, कोई भी कंपनी के लिए कंपनी का अगर रिजर्व ज़्यादा रहा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देख सकते हो जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक है आज के दिन पे लगभग 69.36% का स्टेक है इनके प्रोमोटर के पास, जो कि बायबैक कंप्लीट होने के बाद ये स्टेक ऑलमोस्ट 71% के ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा 1.7% के ऊपर कंपनी टोटल बायबैक करेगा, अपने प्रोमोटर का जो स्टेक वो रेस करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें FIIs, DIIs ने भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे शेयर पिक किया। दोस्तों अगर हम बात करें बायबैक में क्यों शेयर के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलता है, सिंपल बात है, आपने इफ यहाँ पे OFS का नाम सुना, ऑफर फॉर सेल, तो जैसे ही OFS का लॉन्च होता है हमने देखा OFS में हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में रखा है, तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है वो जो प्राइस रखा जाता है फ्लोर प्राइस, वो OFS के प्राइस के
आसपास पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायबैक, ठीक इसका ऑपोजिट होता है, मतलब कंपनी का जब करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है समझ लीजिए कि 100 रुपये पे, उसके बाद बायबैक का हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन में रखा जाता है, समझ लीजिए कि 150 रुपये में कोई कंपनी का प्रमोटर अपना शेयर को बायबैक करेगा। तो हमेशा दोस्तों इसके पहले भी हमने देखने, इस बार TCS थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्योंकि वॉर चल रहा था इसका, बट TCS के अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम हमें स्टार्ट हो ही गया था। तो बेसिकली कंपनी का जो शेयर है वो खींचते खींचते ऊपर पहुंच जाता है। आपको याद होगा लास्ट डे लास्ट ईयर पे इन्फोसिस का बायबैक हुआ था, शेयर प्राइस कहाँ पे चल रहा था 1400-1500, जैसे ही शेयर के अंदर बायबैक स्टार्ट हुआ, शेयर प्राइस बायबैक में जो प्राइस रखा गया था 1750, खींच के खींचते एकदम सीधा सीधा 1700 के ऊपर पहुँच गया है। ठीक वैसे ही दोस्तों बायबैक के केस में ऐसा होता है, बट हाँ आपको हमेशा आँख कान खुला रख के इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, मैं स्टार्टिंग में आपको बता के रखना चाहता हूँ। कंपनी बहुत शानदार कंपनी, इसको लेके कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ शेयर का यहाँ पे बायबैक चल रहा है, उसके भी आपको थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि और एक शानदार कंपनी है KRP Mill, ठीक है, ये शेयर का भी बायबैक ऑलरेडी ओपन हो चुका है, कितना कितना प्राइस में वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बहुत ही शानदार मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर है, आज की डेट में देख लीजिए 625 का इसका प्राइस चला है। तो KRP Mill का मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे दे देता हूँ डिटेल वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये KRP Mill का बायबैक का टोटल डिटेल्स है। तो बायबैक का रिकॉर्ड डेट तो रखा गया था February 19 में, बायबैक ओपन हुआ था 25 मार्च को और क्लोज होगा दोस्तों 7 अप्रैल को, मतलब अभी भी बायबैक चल रहा है, ठीक है, अपकमिंग ट्रेडिंग वीक भी बायबैक होगा। टोटल अमाउंट लगभग 179 करोड़ का बायबैक होगा। टोटल अगर हम बात करें अपना जो स्टेक है प्रोमोटर के पास, उसका लगभग 0.65% का बायबैक करेगा कंपनी। ये KRP Mill का मैं बात बोल रहा हूँ, और बायबैक का जो प्राइस रखा गया वो है 805। अभी अभी हमने क्या देखा, KRP Mill का प्राइस कितना चल रहा है, लगभग 625, यानी अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 20-25% की प्रीमियम में अभी भी ये बायबैक चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी बहुत सारे शेयर का यहाँ पे बायबैक चल रहा है, तो पूरा लिस्ट मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। तो जैसे ही कुछ दिन पहले ही हमने देखा था ये लिस्ट, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेल जो कि एक PSU स्टॉक है, PSU स्टॉक, यहाँ पे गेल का भी बायबैक का अनाउंसमेंट हो चुका है, फिलहाल ओपन या क्लोज अभी भी नहीं हुआ, फिलहाल अपडेट आपको मैं दे दूंगा। 190 काफ़ी प्रीमियम प्राइस में यहाँ पे रखा गया। साथ साथ FDC अगर हम बात करें दोस्तों, FDC का भी, मतलब ये जो कंपनी है इसका भी बायबैक बहुत जल्दी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। गल्फ ऑयल, ये भी बायबैक ओपन हो चुका है गल्फ ऑयल का, 600 रुपये का जो इसका बायबैक प्राइस रखा गया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें KRP Mill, इसका भी बायबैक ओपन हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो ये दोनों ही कंपनी का जो बायबैक क्लोज होगा 7 अप्रैल को, और FDC एंड गेल जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया FDC का, इसका बायबैक अभी बहुत जल्दी ओपन होगा। तो उसके पहले हमें शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा शेयर के अंदर और भी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिला। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था TCS का बायबैक हुआ था लास्ट ईयर पे इन्फोसिस का, तो उसके बीच में बहुत छोटे छोटे कंपनी का भी बायबैक हुआ था। तो बेसिकली बायबैक होने से क्या होता है कि कंपनी का जो प्राइस है उस बायबैक की लेवल तक आसपास पहुंच जाता है, हाँ उस लेवल पे एकदम नहीं पहुंचता है, कभी कभी उसके आसपास पहुंच जाता है। तो बेसिकली आज की डेट में देखिए शेयर का अभी बायबैक ओपन नहीं हुआ, इसके अंदर इन्वेस्ट करने का काफ़ी मौका है। अब इन्वेस्ट करना है तो छोटा मोटा क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आप खुद प्रॉपर एनालिस कीजिए, स्टडी कीजिए, किसी के कहने पे दोस्तों इन्वेस्ट मत करना कभी भी, कोई भी कितने भी अच्छे शेयर क्यों ना जाए, आप खुद पहले इन्वेस्ट यहाँ पे मतलब एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने का फैसला लेना। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।